Good morning, ma'am. Lots of gratitude. And good morning to all my soul brothers and sisters. First of all, thank you, ma, to giving me a chance and allowing me to do this chotu sa soul purpose. Thank you so much. Thank you, universe. Love you. Love you, ma. All my brothers, soul brothers and sisters, मैं आप सब से कुछ शेयर करना चाहती हूँ, मेरी एक्सपीरियंस, मेरी जर्नी। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी मैम की इनर वर्क आप रिलीजियसली फॉलो कीजिए, ब्लाइंडली फॉलो कीजिए। मैम के सारे वीडियोस को बार बार सुनिए। जैसे हम सांस लेते हैं, हम सांस लेना नहीं भूलते, उसी तरह मैम के इनर वर्क को भूलना मत। मैं क्यों इसी बात बोल रही हूँ, क्योंकि ये मैम की इनर वर्क ही है जो आज मुझे यहाँ पे लाके खड़ी की। मैं बहुत बैलेंस्ड हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे मेरे ज़िंदगी में मुझे खुद से ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। मिराकल्स होते जाते हैं, आप सबके ज़िंदगी में ये होगा। सबसे बड़ी मिराकल तो हमारी ज़िंदगी में ये है कि गॉड ने हमें मैम को भेज दिया हमारी ज़िंदगी में। वो गॉड की भेजी हुई एक स्पेशल गिफ्ट है हमारे लिए। गॉड ब्लेस यू माँ, गॉड ब्लेस यू। आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड आप मेरी ज़िंदगी में आई, वरना क्या होता, आई डोंट नो। वेल, मैं इस जर्नी में आई इन द ईयर 2019। माई डी एम एंटर्ड माई लाइफ 2019 27th अप्रैल। फिर जैसे हमारे बबल फेज होते हैं हुए, एंड देन 2019 सितंबर सब कुछ ख़त्म एंड ही वेंट अवे। जैसे हम सेपरेशन हो गए हमारे, वैसे तो सेपरेशन मई में 1 मंथ में ही हो गए थे, बट हम इन टच में थे, बातें करना, मैसेज करना दूसरे आई डी से, मतलब ही वॉज इन टच विथ मी, रेगुलर टच विथ मी। फिर इन द मीन टाइम मेरे पास बहुत सारे फॉरेन के टैरो कार्ड वीडियोस आने लगे। मैं उससे बहुत रेजोनेट करती थी और मैं सुनने लगी, बिकॉज हमें वो हीलिंग मिल जाती है वहाँ से। देन 2000 सितंबर के बाद मेरे पास ट्विन फ्लेम रिलेटेड वीडियोस आने लगे। मैं सुनती तो थी, पर फ्रैंकली स्पीकिंग मैं मान नहीं पाई थी, मतलब आई वॉज नॉट बिलीविंग। मुझे बहुत लॉजिकल थी तो मुझे बिल्कुल विश्वास ही नहीं हो रहा था। एंड देन 2020 मार्च मैम की वीडियो पॉपअप हुई, एंड दैट वॉज द फर्स्ट टाइम मुझे दिल किया विश्वास करने का। उनकी हर एक बातों पे मैं रिल, मतलब आई डोंट नो, इट वॉज अ मैजिक। एक तो उनकी आवाज़ डिवाइन वॉइस है, हमें इतना हीलिंग देता है और इतना हाई वाइब्रेशन में ले जाती है मैम कि क्या बोलूं। मुझे दिल किया पहली बार कि यस, जो भी बोल रही है मैम उसे विश्वास करूं, और मैंने तुरंत सब्सक्राइब किया एंड स्टार्टेड फॉलोइंग हर। 2020 अप्रैल, वही 27 अप्रैल मैंने मैम से फर्स्ट सेशन ली। आई सेड टू हर कि दिस इज दैट, एंड शी सेड टू मी कि ओके, ये आपकी एनिवर्सरी है, फर्स्ट एनिवर्सरी। आई सेड यस, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन माय डीएम ने मुझे फॉरगिवनेस मांगे, अपोलॉजी। ही अपोलॉजाइज्ड और उन्होंने कहा कि आई एम सॉरी, एंड बट वही जैसे वो करते हैं अपने आप को हाइड करके दूसरे आईडी से। मैं समझ तो गई थी बट मैं चुप रही, एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग माई इनर वर्क। बट सच कहूँ तो मैं ना इतनी रिलीजियसली इनर वर्क नहीं करती थी। देन जैसे मैम कहती है ना, डिवाइन हमें सबसे अलग कर देते हैं। सबसे बड़ा मिराकल हुआ कि डिवाइन ने मुझे उस जगह से हटा के वहाँ भेज दिया जहाँ मेरे डीएम रहते थे। अमेजिंगली मैं शिफ्ट हो गई उस जगह जहाँ मेरे डीएम रहते थे, मुझे पता ही नहीं चला। एंड देन 2020 सितंबर मैं शिफ्ट हो गई। दैट वॉज द टाइम जब मैंने अच्छे से एकदम रिलीजियसली अपने आप पे कंसंट्रेट किया, खुद पे किया, पूरा इनर वर्क में डूब गई। मैम जैसे बोलती थी, जो बोलती थी, एक एक बात मैं मानती थी उनका, हर एक वीडियोस, हर एक इनर वर्क, सारा कुछ। 2021 मार्च
माई डी एम एंटर्ड माई लाइफ आफ्टर 5 मंथ्स. मेरी फर्स्ट पार्शियल यूनियन हो गई. उन्होंने आके सबसे पहले ये एक्सेप्ट किया कि दिस इज़ अ डिवाइन कनेक्शन और वो भाग के भी मुझसे दूर नहीं जा सकते. किसी तरह से वो अट्रैक्टेड मेरी लाइफ में वापस आते हैं. समझ गई, मैंने कुछ नहीं बोला. फिर वो कहते हैं ना कि हम बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी दे देते हैं. सब कुछ ठीक चल रहा था, मैंने इंटेंसिटी जैसे शो की फिर वो भाग गए. एक्चुअली वो डिवाइन टाइमिंग थी नहीं, तो वो होना ही नहीं था. एंड देन मैंने मैम से कहा, मैम ने कहा कोई बात नहीं, अभी आपको वर्क करना है. सो ही केम एंड ही टॉट यू कि कहाँ किस एरिया पे काम करना है. आई सेड यस. फिर 2021 दिसंबर, तो इस बार लेकिन वी बोथ वेर इन टच इन सोशल मीडिया. हम एक दूसरे को मैसेज देते थे, कभी कभी विश करते थे, लाइक्स देना, कमेंट करना, ऐसे नहीं कि हम डेली बात करते थे, नो, बट वी वेर इन टच. अब 2021 दिसंबर ही अगेन केम एंड दिस टाइम ही वॉन्टेड टू परस्यू द कनेक्शन. जब वो 2020 मार्च में आए थे, जब पहला यूनियन हुआ था, तब मैंने उनसे मेडिटेशन की बात की थी. ही वॉज लाइक, ही उन्होंने मजाक उड़ाया मेडिटेशन. सॉरी प्लीज़, मुझे थोड़ा समझे, मेरी कफ एंड कोल्ड है, सो बी ओ बी. एंड उन्होंने, मैंने फिर भी बोला था उन्हें. एंड देन व्हेन ही केम द सेकंड टाइम, ही एडमिटेड कि वो मेडिटेशन भी करते हैं, प्राणायाम भी करते हैं, सूर्य प्रणाम भी करते हैं. मैं बहुत खुश हुई. मैम कहती है ना कि डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन होते हैं, अगर आप चाहो वो आपकी सारी बातें मानेंगे. ये बात बिल्कुल सच है मैम की. हर एक बात डिवाइन की बात होती है, यकीन करो गाइस, जस्ट फॉलो हर. फिर वो जब सेकेंड टाइम आए, मैंने उनसे, उन्होंने मुझे बोला कि ही वॉन्ट्स टू गेट रिड ऑफ हिज एडिक्शन. सो आई सेड कि ठीक है, मैं हेल्प करूँगी उनको. देन मैंने मैम से शेयर किया. जब वो सेकेंड टाइम आए, तो मैंने उनसे पूछा, तो ही सेड यस आई एम डूइंग दिस एंड ही वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ हिज एडिक्शन. तो मैंने उन्हें चक्रास कहा. एंड मैं समझ तो गई थी कि उनको रूट एंड सेक्रल में ज़्यादा काम करना है. सो मैंने उन्हें रूट, सेक्रल एंड सोलार प्लेक्सस के लिए कहा. देन ही आस्क्ड मी कि मुझे चक्रास के बारे में पूरा बताओ. देन आई सेड हिम, अब सब कुछ मैंने समझाया. एंड ही वॉज सो इंटरेस्टेड, वो चक्रास करना शुरू किया. एक्चुअली गाइज, डिवाइन मैस्कुलिन्स चाहते हैं वर्कआउट करना. वो इतना प्यार करते ना हमसे, वो समझ जाते हैं कि कुछ तो है और वो वर्कआउट करने, उनके पास हमारे जैसे ये वीडियोस पहुंचती नहीं है. सो उनको हमें ही, मैम बोलती है ना कि हमें पूरा अपने आप को बैलेंस करके, एंड देन जिस तरह से मैम हमें पूरा तैयार करती है, इस तरह से हमें भी उन्हें ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करना चाहिए. सो मैंने ये किया. एंड आई आस्क्ड हिम टू डू आजप आजप. एंड उन्होंने शुरू किया करना. देन एवरीथिंग वाज, ही वांटेड टू मीट मी एंड आई वाज आल्सो वेरी इंटरेस्टेड टू मीट हिम. एंड देन कुछ हुआ, आई ट्रिगर्ड हिम एंड फिर हम अलग हो गए. तो मैंने मैम से पूछा, तो मैम ने कहा आप इतने हाई लेवल पे आ गए हो और वो अभी बिल्कुल एंटर कर रहे हैं, सो आपको सोचना चाहिए. मैंने कहा सही में? तो उन्होंने कहा कि यू ट्रिगर्ड हिम दिस टाइम. फिर एंड कोई नहीं, मैं समझ चुकी थी कि येस, दैट वॉज नॉट द डिवाइन टाइमिंग. शायद मुझे मेरे पेशेंस पे काम करना चाहिए, शायद मुझे और ज़्यादा फेथ रखना चाहिए गॉड पे. सो मैंने उसे मान लिया. एंड देन मैं वैसे ही अपना काम करने लगी. यू वोंट इमेजिन, मैं अभी जानती हूँ कि येस, सब कुछ क्लियर हो रहा है सामने, हर एक चीज़. और जो गॉड की इंटरवेंशन की बात मैम करती है ना, ट्रस्ट मी गाइस, जब आप कम्प्लीटली 100% सरेंडर्ड होते हो, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. गॉड खुद इंटरवीन करके हर एक काम मेरे लिए तो किए हैं. मेरी चीज़ें जो मैं सोच भी नहीं सकती थी, वो होते गए मेरी ज़िंदगी में. मैंने मैम से शेयर किया हर एक बातें, अमेजिंगली होते गए. दीज वो द, मैंने बोला ना, मेरी ज़िंदगी में बहुत मिराकल्स हुए हैं, बहुत. एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड, आई एम सो ग्रेटफुल टू मैम. मैम नहीं आती मेरी ज़िंदगी में तो मैं कुछ कर ही नहीं पाती. पता नहीं मैं कहाँ पड़ी रहती. आई एम मैरिड,
मेरे आई हैव अ सन और आई वॉज इन टू अ वेरी बैड मैरिज. पहला मिराकल था कि मेरे डीएम के एंट्री के साथ साथ ही कुछ ही फ्यू मंथ्स के अंदर मैं मेरे हस्बैंड से अमेजिंगली अलग हो गई. एंड देन उसके बाद उस जगह से, उस सोसाइटी से दूर, बहुत दूर आ गई मैं जहाँ मेरे डीएम रहते हैं. दीज आर मिराकल्स. मैं ये छोटे छोटे बातों को मिराकल्स के हिसाब से लेती हूँ कि ना चाहते हुए भी सब कुछ हो रहा है. फिर मेरे ज़िंदगी में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आने लगे. मैम ने बोला था कि आप लोगों को अबेंडेंस मिलेगा, खुशियाँ मिलेगी, ट्रस्ट. और एक और बात मैं शेयर करना चाहती हूँ, मैंने मैम से कभी नहीं शेयर किया, आज मैं बोल रही हूँ. माँ, कर्मा क्लियरेंस की जो पहली वीडियो मैम ने जब लाया था, मैम ने बोला था कि कर्मा क्लियरेंस की वीडियोज़ मैं निकाल रही हूँ, आप सबको लेना चाहिए. एंड देन आप सबको पता है ना गाइज कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में कर्मा क्लियरेंस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. कई लेयर्स पे हमें कर्मा क्लियर करना पड़ता है, नॉट एक दिन की बात नहीं है, ये हमें लगातार करना चाहिए. सो मैं उस वक्त बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस में जा रही थी. सो मैं रोने लगी एंड मैं महादेव से बोली कि अगर आपको ये जर्नी देना था तो मुझे काबिल बनाना था ना कि मैं ये सब कर सकूँ, फिर मैं क्या करूँ. फिर आई स्टार्टेड क्राइंग. मैं सो गई, मुझे बहुत दुखी थी मैं. मेरी ड्रीम्स में माँ आई एंड शी केम. एक ऑफिस था, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, बहुत लड़के लड़कियाँ, सारे फाइल्स फैले हुए थे, सारे पेपर वर्क सब कुछ फैला हुआ. और मेरे फैमिली बाहर थे, वो मुझे बुला रहे थे. मैं सब कुछ, वो सारे स्कैटर्ड चीज़ों को इकट्ठे कर रही थी कि एक अब मेरे लैपटॉप को ले लूँ और मेरे कुछ फाइल्स ले लूँ, मेरे बैग में ले कर फिर निकलूँ. अचानक मैंने देखा मैम आ गई. मैम बोल रही हूँ क्या कर रही हो? तो मैंने कहा मैम वो मैं ले रही हूँ. उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, एक भी चीज़ मैंने नहीं लिया. जैसे मैम ने मेरा हाथ, इमोशनल हो रही हूँ, जैसे मैम ने मेरा हाथ पकड़ा ना, मैं जैसे मंत्रमुग्ध की तरह उनके साथ चलने लगी. और मैंने कुछ नहीं लिया, लेके बाहर निकल गई. वो मुझे बाहर लेके आई, लेके आके बोली अब आप जाओ. उन्होंने छोड़ दिया. ना तो मेरे फैमिली थे, ना कुछ था. आई वॉज लाइक ये क्या हुआ? मेरी आँखें खुल गई. एंड ट्रस्ट मी, नेक्स्ट दिन कोई एक डिवाइन फेमिनिन शेयर कर रही थी अपना कर्मा क्लियरेंस, इस तरह से उनका पहला कर्मा क्लियरेंस हुआ ड्रीम में इस तरह से. और मैम बोल रही थी कि ऐसे ही होते हैं. एंड आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, मैम आई. बहुत बार मैम मेरे सपने में आई है. जब भी मैं बहुत दिल से उनको पुकारती हूँ कि मैं अब क्या करूँ, एक तो वीडियोज़ आ जाते हैं वही चीज़ पर रिलेटेड आंसर्स की तरह, या फिर वो खुद आ जाती है मेरे सपने में. देन आज तक मैंने कभी नहीं बोला थैंक यू सो मच माँ, थैंक यू फॉर योर लव, थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स, थैंक यू फॉर योर गाइडेंस, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स मैम को हमारी ज़िंदगी में लाने के लिए. ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि मैम की इनर वर्क को रिलीजियसली फॉलो कीजिए. ट्रस्ट मी, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा. एवरीथिंग, ये जो डीएम हम डीएम करते हैं ना, एक्चुअली हम ही डीएम हैं, हमारे अंदर ही है. आप ये चीज़ समझ लो और सोच लो कि जो भी भगवान करते हैं ना, हमसे बेस्ट करते हैं. हम जो सोच भी नहीं सकते वो सोच के रखे हैं. जिस दिन आप इसको, ये फेथ आ जाएगा ना आप में, यकीन करो आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं होगी. और डीएम हमसे बहुत प्यार करते हैं, वो हमसे भी ज़्यादा अवेकन होते हैं. मेरे डीएम ने मुझे बहुत बातें बोल दी थी, उस वक्त मैं समझती नहीं थी, अब मैं समझती हूँ. और वो कहीं नहीं जाते हमें छोड़ के, वो बहुत प्यार करते हैं. जैसे मैम कहती है ना, टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग होगा. आप अपने सारे लेयर्स को, एक एक चीज़ को क्लीन करते क्लियर करते जाओगे, डिवाइन के साथ अलाइन होगे, स्टेप बाय स्टेप आपका सब कुछ हो जाएगा. सो मैम को पे भरोसा करो, उनकी उनकी इनर वर्क को रिलीजियसली फॉलो करो, उनके वीडियोस को बार बार सुनो और गॉड को सरेंडर कर दो. थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी. ब्लेस मी ताकि मैं
अपनी जर्नी में और आगे बढ़ते रहूँ और मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ होते रहे। थैंक यू मैम फॉर अलाउिंग मी टू डू माई छोटू सा सोल पर्पज। लव यू माँ, लव यू सर, एंड गॉड ब्लेस यू। टन्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू मैम, आई लव यू। लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, लॉट्स ऑफ लव, लव यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच डिवाइन फेमिनिन, और आपको सुन के मैं खुद भी बहुत ज़्यादा इस वक्त भावुक हो रही हूँ। और बस मैं सभी से एक ही बात कहना चाहूँगी कि जैसे कि मैं हमेशा कहती आती हूँ आप लोगों की कि आपके डीएम से हमेशा एक अच्छा व्यवहार करिए, उनको कभी जज मत करिए। उनके साथ वो जो भी आपके संग ट्रीट कर रहे हैं उसको एक टॉर्च की तरह समझिए कि वो आपके उन डार्केस्ट एरिया पे नज़र घुमा रहे हैं जहाँ आपको काम करना है, ठीक है। तो आप लोग अपने डीएम के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हो, सब लोग सीख गए हैं कि हाँ हमें न्यूट्रल रहना है, बैलेंस रहना है, डीएम के ट्रिगर से भी ट्रिगर नहीं होना है, डीएम से बहुत अच्छे से बात करनी है, डीएम को ईगो नहीं दिखाना है। लेकिन ये सेम व्यवहार हमें सबके साथ करना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ। ये जो जर्नी है ये ऑब्सेशन से अनकंडीशनल लव की जर्नी है, और अनकंडीशनल लव हमें सीखना है हमारे यूनिवर्स से, ठीक है, हमारे भगवान से, हमारे परमात्मा से, हमारी पूरी जो स्पिरिट टीम ऑफ अनकंडीशनल लव है जो हमेशा आपके प्रोटेक्शन के लिए खड़ी हुई है, आपके गार्डियन एंजल्स, आपके एसेंडेड मास्टर्स। आप उनको जानते भी नहीं हो, आप उनको याद भी नहीं करते हो, बट पूरी स्पिरिचुअल टीम, आपकी स्पिरिचुअल टीम ऑफ द अनकंडीशनल लव हमेशा खड़ी है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। आप बिल्कुल सर्वेलांस में हो। क्यों? ये सारी स्पिरिचुअल टीम, ये जो हमारे गाइड्स हैं, हमें ये सिखाते हैं कि हमें बिना किसी स्वार्थ सबसे अनकंडीशनल लव करना है। तो आपके लिए आज की टिप यही है, और जो कि मैं आप लोगों को हमेशा से याद दिलाती आ रही हूँ कि हमें अच्छा व्यवहार सबके साथ करना है, सिर्फ डीएम के साथ नहीं, ठीक है। जैसे हम भगवान के साथ, भगवान को ग्रेटिट्यूड पे करते हैं, डीएम के साथ अच्छे से व्यवहार करते हैं, हमें सबके साथ अनकंडीशनल लव की स्टेट में रहना है। किसी को भी ईगो नहीं दिखाना है, किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझना है, ठीक है ना। आपके शैडो साइड यही है। अगर आपने अपने शैडोज सिर्फ हमें डीएम के लिए हील नहीं करने हैं, हमें अपने शैडोज सब के लिए हील करने, सबके साथ हमें अच्छा रहना है, ठीक है। तब ऑटोमेटिकली जो डिवाइन, जिसको हमारा रिजल्ट तैयार करना है, वो हमको गिफ्ट में हमारा डीएम ब्लेस करता है, ठीक है। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड हैप्पी संडे।